भी टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सीबीआई में चल रहे गृह निर्माण सहकारी समिति के मामलों में रिश्वत मांगने के आरोप में एक दलाल शांतिलाल को 30 लाख रुपए नकद वहीं 45 लाख रुपए के सेल्फ के चेक लेते हुए गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर जो सीबीआई के इंस्पेक्टर हैं प्रकाश चंद, उसकी भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है और प्रकाश चंद फिलहाल फरार हो गया है, जिसकी तलाश में एसीबी और सीबीआई की टीम दबिश दे रही है। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत। हमारे एक परिवादी ने हमको ये शिकायत की थी कि सीबीआई के एक इंस्पेक्टर वो एक दलाल के जरिए अपने दलाल के जरिए उनको धमका रहे हैं और उनसे पैसे चाहते हैं, ये कहने के लिए कि उनके पास जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें वो उनकी मदद करेंगे। और इस सूचना पर हमने जो दलाल हैं जिनका नाम है शांतिलाल, शांतिलाल दलाल के जरिए सीबीआई के इंस्पेक्टर प्रकाश चंद ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे परिवादी से पैसे मांगे। ये कुछ गृह निर्माण समिति के संबंध में किसी विवाद को लेकर के 18 केसेस पहले दर्ज हुए थे और इन केसेस को हाई कोर्ट के आदेश से सीबीआई में ट्रांसफर किया गया था। इन 18 केसेस में से 3 केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रकाश चंद थे और इन 3 केसेस में हमारा परिवादी मुलजिम भी नहीं था, लेकिन उसको ये धमकाया जा रहा था कि हम आपको इसमें मुलजिम बना देंगे अन्यथा आप हमको पैसे दो, जिसके 90 लाख पहले लिए थे और 75 लाख कल उन्होंने प्राप्त किए। सीबीआई के अधिकारी लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं और हमारी टीम के साथ भी हैं और उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्रकाश चंद दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं और डेपुटेशन पे यहाँ पर कार्यरत हैं। कुल कितने केसेस दर्ज हैं, इनके पास कितने इन्वेस्टिगेशन थे, सीबीआई के अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि वो हमें सारी जानकारी और फाइलों के बारे में जो प्रतियां हैं वो हमको प्रदान कर देंगे। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट ने कुछ केस गृह निर्माण समिति के सीबीआई को ट्रांसफर किए थे और उन जो केस ट्रांसफर किए गए थे उसकी जांच सीबीआई का एक इंस्पेक्टर है वो कर रहा था और उसने उस जो जांच कर रहा था उसमें परिवादी को मुजरिम ना बनाने की एवज में इन रुपयों की मांग की थी। फिलहाल एसीबी अधिकारी जो दलाल है जिससे ट्रैप किया गया उससे पूछताछ कर रहे हैं और साथ ही जो फरार इंस्पेक्टर है सीबीआई का उसकी तलाश में एसीबी और सीबीआई की टीम लगातार दबिश की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। राजस्थान में ये पहला मामला है जब सीबीआई के किसी अधिकारी पर एसीबी ने शिकंजा कसा और साथ ही इतनी बड़ी मात्रा में रिश्वत राशि लेते हुए किसी को ट्रैप किया गया है। जयपुर से विनय पंत, ईटीवी भारत।